नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने जापान के सहयोग से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। यूएई का मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन सोमवार को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। देखिए रिपोर्ट। यूएई का इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन भारतीय समय अनुसार सुबह 3:28 पर तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च होते ही शुरू हो गया। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात वो पहला गल्फ कंट्री है जिसने मंगल ग्रह पर अपनी दस्तक दी है। इस मिशन की लाइव फीड को भी दिखाया गया। हालांकि इसे 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया। लॉन्च के 5 मिनट बाद इस सैटेलाइट को लेकर जा रहा यान अपने रास्ते पर था। इस यान पर अरबी में अल अमल लिखा गया। इसने अपनी यात्रा का पहला सेपरेशन भी कर दिया। अमीरात का प्रोजेक्ट मंगल पर जाने वाले 3 प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें चीन के ताइनवेन 1 और अमेरिका के मार्स 2020 भी शामिल है। खास बात यह है कि यूएई का ये अभियान उस समय शुरू हुआ जब धरती और मंगल के बीच की दूरी सबसे कम होती है। नासा के अनुसार अक्टूबर में मंगल की धरती से दूरी अपेक्षाकृत 38.6 मिलियन यानी 6.2 करोड़ किलोमीटर कम होगी। फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचेगा होप। होप के मंगल की कक्षा में फरवरी 2021 में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद यह एक मंगल वर्ष यानी 687 दिनों तक उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा। हालांकि इस मार्स मिशन का मकसद इस लाल ग्रह के पर्यावरण और मौसम के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य ये भी माना जा रहा है और वह है अगले 100 साल में मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने का। यूएई इस प्रोजेक्ट को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में पेश करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।